तो फ्रेंड्स देखिए हमारा गांव का नज़ारा है। देखिए इधर कैसे दिख रहा है, हरा भरा। इधर खेत है फ्रेंड्स और उधर चट्टान है जहां हम लोग धान सुखाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आप लोग कैसे हो? आए हो बच्चे हो गए तो मैं अंबिका, अंबिकास लाइफ स्टाइल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आप लोग अगर मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुँचे। तो फ्रेंड्स चलिए मैं क्या कर रही हूँ आप लोगों को दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग हम स्टार्ट करते हैं और मैं बना रही हूँ सब्जी। आप लोग देख सकते हैं मैं दोनों चूल्हा में बैठाई हूँ। एक तरफ बन रहा है साग और इधर बन रहा है बरबट्टी का भुजिया। फ्रेंड्स मैं दिखाती हूँ बैक कैमरा करके। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारे बन रहे हैं साग। ये हमारा किचन गार्डन का साग है फ्रेंड्स। देखिए कितना टेस्टी टेस्टी दिख रहा है। और इधर है हमारा बरबट्टी का भुजिया बन रहा है। देखिए हमारे किचन गार्डन का है, आप लोगों ने कल का वीडियो में देखा होगा। कल भी मैं बनाई थी और आज भी बना रही हूँ क्योंकि अभी बहुत आ रहे हैं, मतलब बरबट्टी बहुत फल आ रहा है तो इसीलिए आज भी हम लोग बनाए हैं और साग भी बनाए हैं। साग तो हमेशा बनते रहता है हम लोग के घर में। तो फ्रेंड्स सब्जी बन गया है और अभी मैं सारा सब्जी जो है उसको दूसरा बर्तन में खाली कर दे रही हूँ क्योंकि कढ़ाई वढ़ाई सब में धो के रख दूँगी ताकि शाम को मुझे धोना ना पड़े। अभी मैं सब बर्तन धो के रख देती हूँ ताकि मेरा बर्तन धोने का काम ख़त्म हो जाए और जब हम खाते हैं तो अभी जो हम लोग दोपहर में खाते हैं वाला बर्तन भी मैं धो के रख देती हूँ उसको, ताकि शाम को बर्तन धोने का इतना झंझट ना रहे फ्रेंड्स। और चूल्हे वूल्हे सब में साफ उफ कर देती हूँ और किचन का जितना भी काम है वो ख़त्म कर देती हूँ मैं अभी ही, और दोपहर के लिए नहीं रखती हूँ, शाम के लिए। खाली शाम को मुझे खाना बनाना होता है। तो फ्रेंड्स किचन का काम जो है मेरा सारा ख़त्म हो गया है और अभी मैं घर झाड़ रही हूँ, सॉरी घर झाड़ू करूँगी इसीलिए मैं बिस्तर झाड़ रही हूँ। और फ्रेंड्स मेरे बहुत सारे कपड़े हो गए हैं धोने के लिए और कंथरी भी मुझे धोना है। मैं जो अपने बेटे का हॉस्टल से लाई थी मेरे बेटे का कंथरी वो सब भी मैं रख दी हूँ, धोई नहीं थी क्योंकि बारिश हो रहा था और ज़्यादा धूप भी नहीं दे रहा है। और कंथरी जो है धोने से मतलब एक दिन में सूख जाए तो अच्छा है, लेकिन दो तीन दिन रख देने से उसमें से बहुत स्मेल आता है, फिर उसको बिछाने का मन नहीं करता है। इसी वजह से मैं कंथरी सब धोई नहीं थी। और फ्रेंड्स आज भी बहुत सारा कपड़ा धोना है और कल भी मैं बहुत सारा कपड़ा धोई हूँ क्योंकि अभी बारिश में जो ज़्यादातर कपड़े सूखते नहीं हैं, जो मोटे मोटे कपड़े हैं, तो इसी वजह से मैं डेली डेली नहीं धोती हूँ और एक साथ ज़्यादा कपड़ा धो देती हूँ ताकि धूप जब देता है तो मैं एक साथ सारा कपड़ा धो देती हूँ तो ये सब सूख जाता है। तो फ्रेंड्स मैं अभी अपना जो आलना है कपड़ा इधर उधर बिखर गया था मैं उसको सारा कपड़ा समेट दे रही हूँ। और इसमें देखिए जो मेरा हस्बैंड का कपड़ा है ये सब जीन्स वगैरह सब है तो मैं उसको सारा फोल्ड करके रख दे रही हूँ और जब भी वो पहनते हैं तो कपड़ा पूरा बिखार देते हैं। और आप लोगों ने देखा फ्रेंड्स कितने सारे मेरे गंदे कपड़े निकले हैं धोने के लिए। और अभी मैं घर झाड़ू मार रही हूँ फिर पोछा ऊँछा लगा दूँगी। तो फ्रेंड्स ये वाला कपड़ा कल का है, कल मैं धोई थी ये सब सूखा नहीं था तो धूप दे रहा है, पहले मैं इसको सूखा दूँगी धूप में ये और फिर मैं दूसरा वाला कपड़ा धोऊंगी। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा गांव का नज़ारा है। देखिए इधर कैसे दिख रहा है, हरा भरा। इधर खेत है फ्रेंड्स और उधर चट्टान है जहां हम लोग धान सुखाते हैं। तो मैं दिखाती हूँ बैक कैमरा करके। तो फ्रेंड्स ये देखिए इधर सारा खेत है और इस तरफ चट्टान है फ्रेंड्स और हवा
चल रहा है अभी, जो खेत में सब कोई धान लगा रहा है। देखिए पावर टिलर इसमें कादा करेगा और धान जो है लगाएगा। ये पूरा धान लग जाने के बाद में और हरा भरा दिखता है, बहुत सुंदर बहुत खूबसूरत। देखिए तो फ्रेंड्स, मेरा बेटा का जो कंथरी है ओला बहुत गंदा हुआ है, बहुत स्मेल आ रहा है अभी बारिश के वजह से। तो मैं गर्म पानी करके उसको अभी सरफ दे के डुबा दूँगी और थोड़ा देर के लिए मैं छोड़ दूँगी ताकि जितने मैला है सब निकल जाए और अच्छे से साफ़ हो जाए। फ्रेंड्स, इस तरह से धोने से कंथरी गर्म पानी में बहुत अच्छा साफ़ होता है। तो थोड़ी देर के लिए मैं छोड़ दूँगी। तो फ्रेंड्स, आधा घंटा जैसे हो गया इसको डुबा के, और अभी जो है मैं सारा कंथरी खींच लूँगी। देखिए फ्रेंड्स कैसे हम लोग कंथरी खींचते हैं घर में। फ्रेंड्स क्या कीजिएगा, हम लोग गांव में कंथरी ही ज़्यादा बिछाते हैं, ओढ़ते हैं, तो ऐसे ही हम लोग धोते हैं तो साफ भी हो जाता है थोड़ा सा गर्म पानी में दे के धोने से। तो फ्रेंड्स, सारा कंथरी मैं अभी जल्दी जल्दी धो दूँगी और सुखा दूँगी ताकि कंथरी आज ही सूख जाए। और आज जो है धूप भी अच्छा दे रहा है तो इसी वजह से मैं आज सारा कपड़ा धो दूँगी। और आधा कपड़ा तो सूख गया फ्रेंड्स, जो मैं पहले सुखा दी थी, कल वाला कपड़ा जो है वो सुखाई थी, ओला सूख गया है। और अभी कथरी भी धो के मैं सुखा दूँगी और उसके बाद मेरा जो अच्छा वाला साड़ी है जो मैं पहन के जाती हूँ, ओला भी गंदा हुआ है, सब धोई नहीं थी, तो इसको भी मैं इजी मैं फ्रेंड्स इजी से धोती हूँ। मैं अपना जो सारा साड़ी है मैं लॉन्ड्री में नहीं देती हूँ धोने के लिए, मैं अपने हाथों से ही धोती हूँ। तो फ्रेंड्स, सारा कपड़ा धोने के बाद मैं नहा धोया के आराम की कर रही थी और अभी देखिए मैं आ गई हूँ छत पर। तो मैं कपड़ा उठाने आई थी तो ये देखिए छत के नीचे में मैं दिखा रही हूँ, ये दो महिलाएँ जो है बकरी चरा रही है, मैं उनसे बात कर रही हूँ वो क्या कर रही बोल के। और जो झाड़ू हम लोग का इधर झाड़ू बनता है, जो झाड़ू लगाते हैं उसको खोड़का बोलते हैं, वो सब बहुत हुआ है। तो जो वो दीदी है वो देखिए मतलब हमारी गांव की, वो काट रही है झाड़ू बनाने के लिए। और फ्रेंड्स, मेरा सारा कंथरी जो है सूख गया, मेरा सारा कपड़ा धुल के आज सूख भी गया। फ्रेंड्स देखिए अभी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं यहीं पर करती हूँ एंड। और आप लोगों को आज का वीडियो कैसे लगा मुझे कमेंट करके बताना फ्रेंड्स। और आप लोग अगर मेरे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूँ आप लोग को उसका नोटिफिकेशन पहले मिले फ्रेंड्स। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। और मैं दिखाती हूँ, हमारे घर में एक बच्चा आया है, इसका नाम है साहिल। साहिल हाय करी दे, हाय करी दे अंकल। देखिए हाय कर रहा है, बहुत क्यूट बच्चा है।